प्रबंधक और यशस्वी चिकित्सक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, कॉलेज की आचार्य प्रोफेसर वंदना दुबे और हिंदी विभाग की डॉक्टर वंदना चौबे का कृतज्ञ हूँ कि लोगों ने कृपा पूर्वक मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका दिया। और मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत आश्वस्ति महसूस हो रही है कि एक ऐसे अनुसंधान जिसमें पिछले भी 3-4 साल से लगा हुआ हूँ, उसके शुरुआती विचार पहली बार एक सार्वजनिक मंच से आप लोगों के सामने रखने का मुझे मौका मिल रहा है। होता यह है कि हम लोग पढ़ते लिखते रहते हैं और सोचते रहते हैं और हमारे पास तमाम सामग्री जमा होती रहती है, लेकिन जब इस तरह से आपके सामने आपसे 2-4 होते हुए हम अपनी बातें कह पाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम जो सोच रहे हैं, जो सूत्रीकरण कर रहे हैं, उनकी दरअसल क्या श्रोताओं और पाठकों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का ये क्षण है, मैं मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है अकादमी रूप से और उस अनुसंधान के लिहाज से जिसमें मैं आजकल लगा हुआ हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसको शुरू करने से पहले मैं वहां पर बाद में जाऊंगा, उसके बाद के कुछ क्षणों उसके बाद के एक इतिहास के टुकड़े की तरफ बात पर ध्यान खींचूंगा। और ये एक ऐसा इतिहास है जिससे हम सब लोग मोटे तौर पर वाकिफ हैं। हमें मालूम है कि 1835 में थॉमस बेविंगटन मैकाले ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणी लिखी थी, इसे मिनट ऑन एजुकेशन कहा जाता है। और उसी टिप्पणी लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने पेश की गई जो भारत के वायसराय थे। उसी टिप्पणी से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की संस्थागत शुरुआत हुई। उस टिप्पणी के बाद ये निश्चित हो गया कि तत्कालीन भारत सरकार जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, उसके पास शिक्षा संबंधी जितना भी पैसा था उसकी एक एक पाई सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन पर खर्च होगी। तो टिप्पणी कैसे क्या लिखी गई थी उसका एक बड़ा दिलचस्प इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है, उसका एक बहुत छोटा सा एक झलक मैं आपके सामने रखूंगा। जून 1834 में, यानी टिप्पणी लिखने से 1 साल पहले, मद्रास के तट पर मैकाले साहब उतरे। उनके साथ उनकी बहन अन्ना हान्ना मोर मैकाले भी थी। और मद्रास के तट पर उतरने के बाद में मैकाले को बताया गया कि जिन लॉर्ड विलियम बेंटिक से आप मिलना चाहते हैं वो इस समय कलकत्ता में नहीं है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, वो कलकत्ता में नहीं है बल्कि वो मद्रास में ही ऊटकमंड में ग्रीष्मकालीन प्रवास कर रहे हैं। ऊटकमंड, जिसे बाद में अंग्रेजों ने उसका नाम बदल के ऊटी कर दिया, जो वहां का हिल स्टेशन है, वहां पे विलियम बेंटिक साहब अपना ग्रीष्मकालीन प्रवास कर रहे हैं। तो मैकाले फिर कलकत्ता नहीं गए, वो वहां से ऊटकमंड रवाना हो गए और उनकी बहन हन्ना मोर मैकाले वो जहाज में बैठ कर कलकत्ता चली गई। वो उनके साथ विलियम बेंटिक के पास नहीं गई, वो कलकत्ता इसलिए गई, कलकत्ता में उनका चार्ल्स ट्रेविलियन नाम के एक सज्जन इंतजार कर रहे थे। ये चार्ल्स ट्रेविलियन कौन थे? इन्हीं वो मगेतर थे, मैकाले की बहन के मगेतर थे। कुछ दिनों बाद ही दोनों की शादी हो जाती है और मैकाले और ट्रेविलियन दोनों बहनोई और जीजा के साले जीजा के संबंध में बन जाते हैं। ये चार्ल्स ट्रेविलियन कौन थे? चार्ल्स ट्रेविलियन को विलियम बेंटिक ने भारत में जो कंपनी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली के संचालन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसको कहते थे जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, GIPC। उस GIPC का एक सदस्य नियुक्त किया था। और चार्ल्स ट्रेविलियन ने आगे जाकर 1838 में एक पुस्तक लिखी, इसका शीर्षक था ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल। इस पुस्तक के 252वें पृष्ठ पर अगर आप जाएं तो आपको एक 2 पेज लंबा एक उद्धरण मिलता है। उस उद्धरण की एक झलक मैं आपको देना चाहूंगा। उस उद्धरण में चार्ल्स ट्रेविलियन कहते हैं कि मुझे विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश से जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, इसका खात्मा हो जाएगा। मैं ये नहीं मानता, वो कहते हैं ये नहीं मानता कि अनंत काल तक ये साम्राज्य रहने वाला है। देखिए 1838 में ये बात कह रहे हैं। प्रश्न ये है, फिर वो प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न ये है कि जब ये संबंध खत्म किस तरीके से होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी उस काल में। उसका एक तरीका भी हो सकता है कि भारतवासी हमें जबरदस्ती यहां से धक्का मार के भगा दें। अगर ऐसा हुआ तो हमारे उनके बीच के समस्त संबंध तुरंत समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमें उन्हें अपनी भाषा सिखाने का मौका मिला, हमें उन्हें अपने तौर तरीके सिखाने का मौका मिला,
अगर हमें हमारी जो चीजें हैं उनके प्रति अभिरुचि, उनके प्रति टेस्ट पैदा करने का मौका मिला, अगर हमें उनके हमें अपने प्रशासन करने के तौर तरीके, शासन चलाने के तौर तरीके उन्हें सिखाने के मौके मिले, अगर ऐसा हुआ तो हम जब उनके बीच से जाएंगे, जाने के बावजूद हम उनके बीच में जीवित रहेंगे। तब वो कहते हैं दे विल नॉट राइज अगेंस्ट अस, वी विल स्टूप टू राइज देम। तो जब मैं उस कोटेशन को पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे कि जो आज का भारत है, हम सब लोग हैं, मतलब जो है उसको ये व्यक्ति 1838 में बैठकर कल्पित कर रहा था कि भविष्य का भारत कैसा होगा। अब मैं उसके और पीछे जाता हूं, जब मैं काले ऊटक बंड पहुंचे तो वहां विलियम बेंटिक से उनकी मुलाकात हुई, 2-3 महीने तक दोनों साथ साथ रहे, करीब 3 महीने तक दोनों साथ साथ रहे वहां पर, और उसमें बेंटिक के विचारों को जानने का मैकाले को मौका मिला, मैकाले के दिमाग को समझने का बेंटिक को मौका मिला। और तब मैकाले ने ठीक से समझा कि बेंटिक की दरअसल योजना है क्या, वे इस देश में करना क्या चाहते हैं, और उन दोनों के बीच में जो खिचड़ी पकी उसी का नतीजा ये हुआ कि एक साल बाद मैकाले ने अपना शिक्षा अपनी शिक्षा अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणी लिखी, और दोनों बीच इतने अच्छे ताल्लुक थे कि मैकाले ने उस टिप्पणी को GIPC जनरल कमेटी ऑफ GCPI जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के पास भेजने की बजाय सीधे सीधे विलियम बेंटिक को दिए, और विलियम बेंटिक ने तुरंत दिन में दोपहर के वक्त उनसे मिनट प्राप्त किए और शाम के वक्त उन्हें मिनट के नीचे लिख दिया कि मैं इसमें रिजेक्ट किए विचारों से पूरी तरीके से सहमत हूँ और आज के बाद से इसके मुताबिक ही भारत में शिक्षा की नीति बनेगी। मैकाले ने मिनट्स में क्या कहा था, ये मिनट्स जाया जाता करीब 5,500 शब्द के, 5,500 शब्द बहुत लंबा छोड़ा दस्तावेज नहीं है, ये केवल 5,500 शब्द हैं। उन्हीं में से मैं कुछ एक उदाहरण आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं जो मैं समझता हूं उन मैकाले की शिक्षा संबंधी टिप्पणी का सार है। सब मानते हैं कि भारत में आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्य है और न ही वैज्ञानिक जानकारी। वे गवारू हैं और पिछड़ी हुई हैं। इंग्लैंड और भारत में मैंने पूर्वी भाषाओं में प्रवीण विद्वानों से संवाद किया है, मुझे उनमें ऐसा एक भी विद्वान नहीं मिला जो इस बात से इनकार करे कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत एवं अरब के संपूर्ण देश साहित्य से भी अधिक मूल्यवान है। फिर से इस लाइन के ऊपर गौर कीजिए, मुझे उनमें एक भी ऐसा विद्वान नहीं मिला जो इस बात से इनकार करे कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण देश साहित्य से अधिक मूल्यवान है। संस्कृत भाषा में लिखी गई सारी ऐतिहासिक जानकारी को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो भी यह इंग्लैंड के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किसी पुस्तक से कम ही मूल्यवान होगी। यानी संस्कृत का पूरा वांगमय एक तरफ और इंग्लैंड के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली एक किताब एक तरफ। हम उन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं जिनकी शिक्षा फिलहाल उनकी मातृभाषा में संभव ही नहीं है। इस उद्देश्य के लिए हमारी अपनी भाषा के पक्ष में तर्कों को दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तर्क तो स्वयं सिद्ध है। पश्चिमी देशों की भाषाओं में ही अंग्रेजी सर्वोपरि है, कल्पना ज्ञान इतिहास और विज्ञान के क्षेत्रों में हमारी भाषा में उपलब्ध सामग्री का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। कल्पनाशीलता के लिहाज से अंग्रेजी की रचनाएं उतनी खूबसूरत हैं जितनी कि वे जो हमें यूनान से मिली हैं, यानी ग्रीक और लैटिन की रचनाएं हैं उनसे मिली हैं। यानी मैकाले ये दावा कर रहे हैं कि 1835 तक आते अंग्रेजी की न केवल भारत में बल्कि विश्व में यूरोपीय भाषाओं के समकक्ष भी हैसियत वही है जो कि ग्रीक यूनानी और लैटिन भाषा की हुआ करती थी। यानी अंग्रेजी अपने आप में मैकाले का दावा यह है वो एक क्लासिक भाषा बन चुकी है, और इस क्लासिक भाषा के सामने भारतीय भाषाएं गवारू और पिछड़ी हुई हैं, और संस्कृत अरबी फारसी का जो उपलब्ध ज्ञान है वो कूड़ा कचरा है, वो सब दस्तक में फेंकने का। तो मैकाले 1835 में ये बात कह रहे हैं, 1835 में ये बात। फिर मैं आपको 2 साल और पीछे जाऊंगा जब वो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण देते हुए मैकाले ने, मैं कहूंगा कि अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणी की पूर्व भूमिका जो है वो 1833 वाले मैकाले के भाषण में मौजूद है। उसमें मैकाले कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसी दुर्घटनाएं हो जाएं जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो, और उनके कारण हमारी बेहतर से बेहतर योजनाएं गड़बड़ा जाए।
मतलब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत तमाम सारी योजनाएं बनाते हैं लेकिन कुछ ऐसे हिस्टोरिकल अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से वो योजनाएं परवान नहीं चढ़ पाती। हो सकता है कि ऐसी दुर्घटनाएं हो जाएं जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो और उनके कारण हमारी बेहतर से बेहतर योजनाएं गड़बड़ा जाए। जरूरी नहीं कि हमें हमेशा जीत ही मिलती रहे, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा जीत ही मिलती रहे, लेकिन कुछ जीतें ऐसी जरूर होती हैं जो कभी हार में नहीं बदलती, लेकिन कुछ जीतें ऐसी जरूर होती हैं जो कभी हार में नहीं बदलती। एक ऐसा साम्राज्य है जिस पर प्राकृतिक क्षय का नियम लागू नहीं होता, एक ऐसा साम्राज्य है जिस पर प्राकृतिक क्षय का नियम लागू नहीं होता। बुद्ध की बर्बरता पर शांतपूर्ण जीत, आप इसका बार्बेरियनिज्म का अनुवाद बर्बरता भी कर सकते हैं और असभ्यता भी कर सकते हैं। बुद्ध की असभ्यता पर शांतपूर्ण जीत एक ऐसी ही जीत है। वह साम्राज्य हमारी कला, हमारी नैतिकता, हमारे साहित्य, हमारे कानून का क्षय साम्राज्य, यानी जिस वो मैकाले भी वही कह रहे हैं जो चार्ल्स टेवरियन ने 1838 में कहा था कि ये जो राजनीतिक आर्थिक साम्राज्य है जो कि फौजी जीतों के ऊपर आधारित है, ये साम्राज्य तो एक दिन मिटने के लिए अभिशप्त है। ये साम्राज्य हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन हमारी भाषा, हमारे कानून, हमारी संस्कृति, हमारी अभिरुचियों और हमारे साहित्य और हमारी कला का साम्राज्य जो है वो अक्षय साम्राज्य है। इसी साम्राज्य को मैकाले से और भी 72 साल पहले 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में बुद्धिजीवियों और भाषाई रणनीतिकारों की एक टोली थी, इस टोली ने इसी साम्राज्य को मेटाफिजिकल एम्पायर का नाम दिया था। अब आप हिंदी में चाहे तो मेटाफिजिकल एम्पायर का किसी भी तरीके से अनुवाद कर सकते हैं, मैंने इसे अलौकिक साम्राज्य कहा। एक ऐसा साम्राज्य जो कि लौकिक सीमाएं जो है, जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लौकिक सीमाएं हैं जिन पर मैकाले की शब्दों में प्राकृतिक क्षय का नियम लागू होता है। बड़े से बड़े साम्राज्य पैदा होते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन इन भाषाई रणनीतिकारों मैकाले और उनके बहनोई चार्ल्स टेवलियन का मानना था इस साम्राज्य के ऊपर प्राकृतिक क्षय का नियम लागू नहीं होता। ये साम्राज्य एक बार स्थापित हो गया तो ये हमेशा कायम रहता है और बाकी सब लोगों को उसके सामने अपना सिर झुकाना पड़ता है, तमाम संस्कृतियों को उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। तो मैं आज आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि इस साम्राज्य को लागू करने का जो सबसे बड़ा औजार था, जिसे अंग्रेजी भाषा के रूप में हम लोग जानते हैं, उस औजार में वो औजार किस तरह से गढ़ा गया, अंग्रेजी तैयार किस तरीके से की गई, ये 18वीं सदी के मध्य में लगभग 1762 के दौरान जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई, जब भाषाई रणनीतिकारों की एक टोली ने, जिनके पीछे ब्रिटेन के जो शासक वर्ग था और ब्रिटेन के जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, बड़े बड़े प्रकाशक घराने थे, उनकी पीठ पे उनका हाथ था, उन लोगों ने किस तरह से अंग्रेजी को ब्रिटेन के अंदर गढ़ा, उस अंग्रेजी के ऊपर कौन कौन सी विचारधारा की इबारतें अंकित थी, उस अंग्रेजी की आत्म छवि किस तरीके से बनी, ये वही आत्म छवि थी जिसके सहारे मैकाले ने 1835 में दर्द के साथ ये दावा किया कि इस भाषा के मुकाबले तमाम भारतीय एशियाई भाषाएं ये हैं वो कूड़े कचरे में फेंक देने योग्य हैं, इसलिए इन भारतीयों को किसी और इनकी अपनी भाषाओं में शिक्षित किया ही नहीं जा सकता। यहां तक कि संस्कृत और अरबी को छोड़ दीजिए, अन्य भारतीय भाषाएं थी, हिंदुस्तानी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, इन भाषाओं के बारे में तो मैकाले कहना था ये तो इस योग्य भी नहीं है कि इनमें अंग्रेजी के क्लासिक ग्रंथों का अनुवाद तक किया जा सके, अनुवाद के योग्य भी नहीं है। तो ये जो दर्प है जो मैकाले 1835 के अपने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणी में कहते हैं, ये दर्प आया कहां से, वो कौन सी फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री भाषा विज्ञान की थी, वो फैक्ट्री किस समाज विज्ञान की फैक्ट्री थी, वो कौन सी फैक्ट्री थी इसके अंदर ये दर्द गढ़ा गया और अंग्रेजी के ऊपर ऐसी इबारतें अंकित की गई कि उस अंग्रेजी को लेकर ये कहा जा सके कि हम एक ऐसे अलौकिक साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे पहले इस बात को समझाने के लिए, आपके सामने पेश करने के लिए, मैंने अपने एक लेख के कुछ छोटे छोटे हिस्से भी आपके सामने मैं पढ़ूंगा, उससे क्योंकि ये हिस्से बहुत मेहनत से लिखे गए हैं तो मैं समझता हूँ ये ठीक से इनका सूत्रीकरण अच्छे तरीके से हुआ है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये 1835 में जब मैकाले अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणी लिख रहे थे विलियम बेंटिक को सौंपने के लिए, उससे ठीक 72 साल पहले अंग्रेजी के बारे में लोगों की राय क्या थी, खुद ब्रिटेन में अंग्रेजी के बारे में लोगों की राय क्या थी। अब आप सुनिए, एक मैं उदाहरण सुनाता हूँ। अंग्रेजी बोलने वाले इस देश यानी इंग्लैंड
अंग्रेजी बोलने वाले इस देश की गिनती उत्तर यूरोप के दक्षिणी राष्ट्रों की तुलना में, अंग्रेजी बोलने वाले इस देश की गिनती यूरोप की दक्षिणी राष्ट्रों की तुलना में खासे अभद्र और नाम मात्र के लिए ही सभ्य राष्ट्रों में की जाती है। यानी इंग्लैंड जहां पर अंग्रेजी बोली जाती थी उसके बारे में इस कोटेशन के लेखक का कहना यह है कि इसकी यूरोप की दक्षिणी राष्ट्रों के मुकाबले इस देश की कोई औकात नहीं है। इस देश को उसी तरह से बर्बर होने का बिल्ला चश्मा किया जाता है जिस तरह कभी यूनानियों ने बाकी दुनिया पर किया था। इसकी जो वजह तब थी वही आज भी है, अपनी भाषा को विनियमित और परिष्कृत करने की जिम्मेदारी से कतराना, यानी अपनी भाषा का मानकीकरण करने की जिम्मेदारी से कतराना। चूंकि अंग्रेजी का 1860 के आसपास मानकीकरण नहीं हुआ था इसलिए ये कहा जा रहा था उसके बारे में कि जब तक ये मानकीकरण नहीं किया जाएगा तब तक अंग्रेजी बर्बरों और असभ्यों की भाषा बनी रहेगी। वास्तव में अंग्रेजी की यही हालत थी। प्रोफेसर युवा अनंत मूर्ति जो कन्नड़ के महान साहित्यकार हैं, उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीता है, सारी जिंदगी वो अंग्रेजी पढ़ाते रहे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक बार मुझसे किसी बातचीत में ये कहा था, एक जमाना था जब अंग्रेजी में लोग ये नहीं जानते थे कि पूरा वाक्य कैसे बनाया जाएगा, एक पूरा पैराग्राफ कैसे गढ़ा जाएगा, कहां फुल स्टॉप लगेगा, कहां कॉमा लगेगा, कहां कोलन लगेगा, कुछ किसी को पता नहीं। लैटिन में ही लोग लिखते थे, लैटिन में ही लोग सोचते थे, लैटिन में ही प्रकाशक छापते थे और लैटिन के ही पाठक होते थे। अंग्रेजी में ना कोई लिखता था, ना पढ़ता था, ना कोई सोचता था, कुछ नहीं होता था अंग्रेजी में। अंग्रेजी केवल किसानों और बहुत ही इंग्लैंड के निचले तबके थे उनकी भाषा थी। अचानक एक दिन कुछ लोगों ने तय किया, जो लैटिन के बड़े स्थापित लेखक थे, कि हम लैटिन में नहीं, हम अंग्रेजी में लिखेंगे। उसे कहा गया इस बात को बहुत नुकसान होगा, तो कितना भी नुकसान हो, हमें पाठक मिले या ना मिले, हमें प्रकाशक मिले या ना मिले, हमें लिखने में कितनी दिक्कत हो, लेकिन अंग्रेजी में ही लिखेंगे। ये वही भाषाई रणनीतिकारों की टोली थी जिन्होंने अंग्रेजी के मानकीकरण का व्रत किया। और उन्होंने अंग्रेजी, ये भाषाई रणनीतिकार कौन कौन थे इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। जो 72-73 साल पहले अंग्रेजी की स्थिति थी, इसको अंग्रेजी के बुरे दिन कहा जाता है, भारत में अच्छे दिनों की अंग्रेजी के बुरे दिन कहा जाता है, उसके बारे में मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से पहले अंग्रेजी को अच्छे दिन देखने नसीब नहीं हुए। आज अंग्रेजी के प्रभुत्व से आक्रांत लोगों को यह देखकर कुछ ताज्जुब हो सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की पहली दो सदियां अंग्रेजी की नहीं थी। 1560 और 1570 के दशकों में जब क्वीन एलिजाबेथ के सिपाहियों ने आयरलैंड की ट्यूडर स्टेट पर हमला करके उसे जीता, तो पहली बार ब्रिटेन को लगा कि वह साम्राज्य निर्माण कर सकता है। अपने आक्रमण को न्यायोचित ठहराने के लिए ब्रिटेन ने आयरिशों को पशुवत, कानून और सुव्यवस्था से वंचित, अशिष्ट, असभ्य और अस्वच्छ करार देते हुए दावा किया ईश्वर ने उन्हें सभ्य बनाने का दायित्व इंग्लैंड को प्रदान किया। आयरिश लोग कैथोलिक थे, लेकिन फिर भी प्रोटेस्टेंट ब्रिटेन ने उन्हें काफरों और पागानों के समकक्ष रखा। जाहिर है कि साम्राज्य निर्माण की यह प्रक्रिया शुरू से ही सभ्यता मूलक थी। आयरलैंड से यह सिलसिला अमेरिका तक पहुंचा और इसके बाद भारत और अफ्रीका पर इसका कहर नाजिल हुआ। साम्राज्य निर्माण की विचारधारा के अध्येताओं की मान्यता है कि शुरू से ही ब्रिटिश उपनिवेशक स्वयं को उन रोमनों की तरह देखते थे जिन्होंने ईसा से 55 वर्ष पूर्व जूलियस सीजर के नेतृत्व में ब्रिटेन के तत्कालीन पशुचारी समाज को अपना उपनिवेश बनाकर केंद्रीकृत राज्य के रूप में पुनर्गठित किया। तो जूलियस सीजर के नेतृत्व में रोमनों ने ब्रिटेन के ऊपर हमला किया तो उस वक्त अंग्रेजों की स्थिति यही थी जो आप कभी आदिवासियों की स्थिति देखते हैं जो फिल्मों में दिखाई जाती है। आदिवासी वैसे होते नहीं, फिल्मों में जो आदिवासियों की एक रूढ़ छवि दिखाई जाती है कि आग जल रही है, उसके इधर उधर लोग पंख लगाए हुए या अधकच्छी कुछ नंगे कूद फांद रहे हैं, उसके इधर उधर मुंह से कुछ अजीब तरह की ध्वनियां निकाल रहे हैं जिनको भाषा नहीं कहा जा सकता। तो उस वक्त अंग्रेजों की बिल्कुल हालत यही, जबकि जूलियस सीजर ने वहां पर आक्रमण किया। रोमन ब्रिटेन को अपनी फौजों के लिए अनाज सप्लाई करने वाली एक कड़ी के रूप में देखते थे। जल्द ही रोमनों को एहसास हो गया कि एक हाईलैंड इलाका है और एक लोलैंड इलाका है, एक हाईलैंड इलाका और एक लोलैंड इलाका। जल्द ही रोमनों को एहसास हो गया कि हाईलैंड इलाकों को अपने फौजी कब्जे में रखना उनके लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए उन्होंने स्कॉटलैंड के हाईलैंड और वेल्स को छोड़ दिया, जो जिसे ग्रेट ब्रिटेन आप कहते हैं, कि दरअसल चार देशों से मिला के बना। अभी भी फुटबॉल की टीम चार देशों की अलग अलग होती है। वर्ल्ड कप में ग्रेट ब्रिटेन की कोई टीम नहीं, वर्ल्ड कप फुटबॉल में ग्रेट ब्रिटेन की कोई टीम नहीं खेलती। एक वेल्स की टीम होती है, एक आयरलैंड की टीम होती है, एक इंग्लैंड की टीम होती है और एक स्कॉटलैंड की टीम होती है। क्रिकेट टीम में जरूर चारों जगह के लोग मिलते हैं आपको,
क्रिकेट में इस, और उसमें भी बड़ा इस बात पर वहां पर लेकिन संघर्ष होता रहता है कि ये स्कॉटलैंड के आदमी को कप्तान क्यों बना दिया, ये आयरलैंड के आदमी को ज्यादा प्रमुखता क्यों इसमें मिल रही है, इस प्रकार के संघर्ष ग्रेट ब्रिटेन में लगातार वहां आपस में चलते रहते हैं। इसलिए उन्होंने स्कॉटलैंड के हाईलैंड और वेल्स को छोड़ दिया और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोलैंड पर ध्यान दिया। अगले 400 साल तक रोमन उपनिवेश के तौर पर इंग्लैंड के विभिन्न इलाकों का एक अपेक्षाकृत केंद्रीकृत राज्य के रूप में विकास होता रहा। इसी दौरान अंग्रेज बुद्धिजीवियों के दिमाग पर लैटिन और यूनानी भाषाओं की धाक चली। वे खुद को सीजर के प्रतिनिधि के तौर पर देखने के अभ्यस्त हो गए। उनकी कल्पनाओं में अंग्रेजी को लैटिन और यूनानी जैसी क्लासिक भाषा बनाने का ऐतिहासिक कार्यभार दर्ज होता चला गया। अंग्रेजों की यह रोमन आत्म छवि भाषा के तौर पर उन्हें अपने बीच लैटिन की क्लासिक उपस्थिति का महत्व बना देगी। इस दौर में उन्हें अंग्रेजी की कोई परवाह नहीं। अंग्रेजी के इतिहासकारों के अनुसार अगर फ्रांस के राजा फिलिप द्वितीय ने 13वीं सदी की शुरुआत में नॉर्मंडी पर कब्जा न किया होता तो बुद्धिजीवियों, पादरियों और सामंतों द्वारा पूरी तरह त्याग की गई ये भाषा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। हालांकि जी के जो ब्रिटेन के राजा थे वो खुद भी अंग्रेजी नहीं बोलते थे, खुद फ्रेंच परिवार से आए थे, वो फ्रेंच बोलते थे और फ्रेंच लड़कियों से शादी करते थे और एक फ्रेंच इलाके में रहकर आबोल प्रबोध करते रहते थे। राज परिवार भी अंग्रेजी नहीं बोलता था और राजा के जो दरबारी थे वो अगर अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हैं तो दरबार में हे दृष्टि से देखा जाता था। अंग्रेजी बोलते बोलते फ्रेंच शब्दों का उच्चारण करना, अंग्रेजी बोलते बोलते फ्रेंच वाक्यों को बीच बीच में डालने से हम लोग हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी करते हैं तो वो उन लोगों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बाद में यह आदत अंग्रेजों को इतनी ज्यादा पड़ गई थी फ्रेंच और लैटिन के शब्दों का इस्तेमाल करना है, जब अंग्रेजी का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ा तो लोगों को जुर्माना लगाया जाने लगा, अगर आपने फ्रेंच बोली तो इतने पाउंड जुर्माना देना होगा, अगर आपने बीच में लैटिन के शब्दों का इस्तेमाल किया तो इतने पाउंड जुर्माना होगा। जबकि जुर्माने लगे तब लोगों को ये आदत खत्म हुई कि अंग्रेजी बोलते बोलते इन भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल कर ये भाषा हमेशा के लिए नष्ट हो गई होगी। नॉर्मंडी जैसे ही फ्रांस के पास गया ब्रिटिश राज परिवार के सदस्यों जो उसमें फ्रांसीसी मूल के होते थे, फ्रेंच बोलते थे और फ्रेंच भाषी यूरोपीय इलाकों में मौज मजा करते रहते थे, वो कॉन्टिनेंटल यूरोप छोड़कर इंग्लैंड में स्थायी रूप से बसना पड़ा। इतना देखा गया तो लोगों ने मार मार के राजा को भगाया, वो आके उस इलाके में रहने के लिए मजबूर हो गए जहां पे लोग सिर्फ अंग्रेजी ही बोलते थे। तब कहीं जाकर ब्रिटिश अभिजन ने अंग्रेजी का व्यवहार शुरू किया। इसके बावजूद अंग्रेजी बहुत अरसे तक एक त्रिभाषी विन्यास में फंसी रही। इस विन्यास के तहत ब्रिटेन में पहले दो नंबर की भाषाएं लैटिन और फ्रेंच थी, नॉर्मन फ्रेंच थी, उसके बाद अंग्रेजी का नंबर आता था। लैटिन धर्म और बौद्धिक विमर्श की भाषा थी और नॉर्मन फ्रेंच राजदरबार सामंतों और राजनीति की भाषा थी। अंग्रेजी का व्यवहार केवल आम लोग ही करते थे। इस आंतरिक परिस्थिति के कारण अंग्रेजों के लिए यह कल्पना दी थी था कि अंग्रेजी कभी लैटिन या फ्रेंच की जगह ले सकती है। स्थिति यह थी कि दुनिया की यात्रा पर निकले यूरोपियनों से कहा जाता था कि अगर वे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और सुदूर पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो उनके पास स्पेनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया में यात्रा करने के लिए और बाकी दुनिया में अगर यात्रा करनी है तो उन्हें डच आनी चाहिए। अर्थात उस समय तक अंग्रेजी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग शून्य था। 18वीं सदी के मध्य में जब सैमुअल जॉनसन ने अंग्रेजी की डिक्शनरी प्रकाशित की तब अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड को लगा कि अब उनके पास एक ऐसी गर्व करने लायक भाषा है जिसे ब्रिटिश सीमाओं से बाहर प्रचार प्रसार के लिए ले जाया जा सकता है। यानी आप देखिए जब तक सैमुअल जॉनसन ने अपनी मशहूर डिक्शनरी नहीं लिख दी जो अगले 150 साल तक अंग्रेजी का एक मानक संदर्भ ग्रंथ बना रहा तब तक अंग्रेजी की स्थिति इतनी खराब थी। इसके बाद 18वीं सदी का पूरा उत्तरार्ध अंग्रेजी को लैटिन और यूनानी के जैसी क्लासिक भाषा बनाने के लिए खपा दिया गया। इसी दौरान शब्दकोश लिखे गए, इसी दौरान अंग्रेजी का व्याकरण तैयार किया गया जो पूरी तरह लैटिन के व्याकरण की नकल था। कुछ एक बातों को छोड़ के पूरी तरह से हिंदी का व्याकरण संस्कृत के व्याकरण की नकल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदी जो है वो संस्कृत जो है वो हिंदी की माँ है, हिंदी की जननी है, लेकिन आचार्य किशोरीदास बीच में थोड़ा सा व्यतिरेक हो रहा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जिन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा के कहने पर हिंदी शब्दानुशासन नामक हिंदी का सबसे अभी तक का सबसे बड़ा व्याकरण लिखा, उसमें किशोरीदास वाजपेयी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संस्कृत हिंदी की माँ नहीं है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो किसी अन्य भाषा की जननी नहीं हो सकती, वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी की निसंतान मौसी हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी तक का व्याकरण
संस्कृत का, संस्कृत की नकल नहीं है लेकिन अंग्रेजी का व्याकरण पूरी तरीके से लैटिन की नकल था। बाद में उसमें और भी बातें जुड़ी और उसको थोड़ी मौलिकता प्राप्त हुई लेकिन शुरुआत में बिल्कुल नकल था, बिल्कुल जैसे कार्बन कॉपी कर दी गई। जब अब मैं आऊंगा उस भाषाई रणनीतिकारों की टोली के ऊपर जिन्होंने अंग्रेजी के मानकीकरण का बीड़ा उठाया, ये लोग कौन थे? ये लोग भी बहुत दिलचस्प लोग थे, इनके बारे में आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि दरअसल ठीक है उन्होंने अंग्रेजी के साथ जो किया वो तो है ही सामने, हिंदी को भी इस तरह के भाषाई रणनीतिकार चाहिए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आज के जमाने में हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा, ऐसे ही भाषाई रणनीतिकार जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर हिंदी के हित में लगाया। भले ही रामविलास शर्मा अंग्रेजी के प्रोफेसर थे लेकिन जब उन्होंने भारतीय भाषा परिवार नामक 3 खंडों की पुस्तक लिखी तो उन्हें रूसी के विद्वान वारानासी ने उनसे कहा कि आप इस बात आप उसको अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखती, आप इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। तो रामविलास शर्मा बोले अगर आपको लगता है इतनी महत्वपूर्ण है तो आप इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर लीजिए, मेरे पास समय नहीं अंग्रेजी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जब तक आप अपनी भाषा को जिद करके नहीं अपनाते, अपनी ही भाषा में आप लिखते पढ़ते और सोचते नहीं तब तक आपकी भाषा आगे नहीं बढ़ती है। उसे संविधान के तहत राजभाषा घोषित कर दिया जाए या राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए, इस तरह की घोषणाओं से भाषाएं नहीं बढ़ती। घोषणाएं उस वॉलेंटरी स्पिरिट से आगे बढ़ती हैं, उस स्वयं सेवी भाव से, उस जिद से आगे बढ़ती हैं जिसमें लोग अपना सब कुछ छोड़कर, अपना सामाजिक और आर्थिक नफा नुकसान छोड़कर उन भाषाओं के लिए संघर्ष करते हैं, तब भाषाओं की अग्रगति संभव होती है। अब ये जो भाषाई रणनीतिकारों की टोली थी, इन्होंने अंग्रेजी का मानकीकरण करने का निश्चय किया, उसमें पहले नंबर पे मैं थॉमस शेरिडान को रखता हूँ। ये थॉमस शेरिडान कौन थे? थॉमस शेरिडान जिनका मैंने आप बीच में कोटेशन सुनाया था, अंग्रेजी बोलने वाले इस देश की गिनती उत्तर के खासे अभद्र राष्ट्रों में की जाती है। ये थॉमस शेरिडान पहले इनको एक्टिंग करने का शौक था तो उन्होंने एक थिएटर कंपनी खोली और वो थिएटर जो होते थे वो चलायमान थिएटर होते थे, आप तो जानते हैं सब जगह घूम घूम के, लेकिन वो विफल हो गई और उनका पूरा वो थिएटर का बिजनेस उनका डूब गया। जब उनका थिएटर का धंधा डूब गया तब उनका भाषा और शिक्षा की तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने इलोकोशन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, इसको मैं हिंदी में वाग्मिता परियोजना कहता हूँ। ये वाग्मिता परियोजना क्या थी? अंग्रेजी बोली कैसे जाए उसको संहिताबद्ध करना, क्योंकि दिक्कत ये थी कि हर कदम कदम पर अंग्रेजी लोग अलग अलग तरीके से बोलते थे। अरे वेल्स में जो अंग्रेजी बोली जाती थी वो इंग्लैंड वाले नहीं समझ पाते थे क्या बोल रहे हैं, आयरलैंड में जो बोली जाती थी वो स्कॉटलैंड वालों की समझ से बाहर थी, और जो नॉर्मन जो अंग्रेजी को बेसिकली जर्मन जो जर्मन आक्रामक थे अंग्रेजी को अपने साथ वो लाए थे, वो जो अंग्रेजी लाए थे वो कुछ और ही किसी की अंग्रेजी हुआ करती थी। तो सब लोग एक ही तरीके से अंग्रेजी बोले, उनका उच्चारण एक ही सा हो, एक शब्द के जो एक शब्द जो विभिन्न अर्थों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपका क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, लेकिन बांग्ला भाषा में मैं आलोचना कर रहा हूं मतलब है मैं बातचीत कर रहा हूं, एक ही शब्द है बांग्ला में उसका मतलब है मैं बातचीत कर रहा हूं, कन्वर्सेशन कर रहा हूं, हिंदी में उसका मतलब है कि आलोचना कर रहा हूं। तो ये तो दो स्थापित भाषाओं की बात है, इसमें तो यहां चल सकता है, लेकिन वहां पर वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड में अंग्रेजी सब एक ही तरीके से बोली जाए, इसके लिए सारे के सारे ब्रिटेन में घूम घूम कर थॉमस शेरिडान ने भाषणों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। इसमें जगह जगह वो लोगों को, छात्रों को, अध्यापकों को और अंग्रेजी पढ़ाने वालों को इकट्ठा करके उनके सामने भाषण दिया करते थे और समझाया करते थे कि अंग्रेजी बोलने का सही तरीका क्या है, इसी को वाग्मिता परियोजना कहते हैं। और इसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया और इसलिए अंग्रेजी बोली जाने वाली अंग्रेजी का अगर कोई विरोधा थे तो वो थॉमस शेरिडान थे। दूसरा नाम इसमें है सैमुअल जॉनसन का, जिसको आप लोग पॉपुलर लोकप्रिय तरीके से डॉक्टर जॉनसन के नाम से जानते हैं। सैमुअल जॉनसन कवि थे, निबंधकार थे, साहित्यालोचक थे, जीवनीकार थे और संपादक थे। ब्रिटेन के प्रकाशकों का एक समूह उनके पास गया और उनसे अनुरोध किया कि आप अंग्रेजी का एक शब्द कोश तैयार कीजिए, तो तैयार हो गए। तो प्रकाशकों ने कहा कितने दिनों में आप शब्दकोश तैयार करते हैं? जॉनसन को पता था कि अकादमी फ्रांसवा, यानी जो फ्रेंच भाषा की अकादमी थी, अकादमी फ्रांसवा ने 40 साल लगाए थे शब्दकोश, फ्रांसीसी भाषा के शब्दकोश बनाने, और करीबन 35-40
कि मैं 40 साल लगाऊं और अंग्रेजी का शब्दकोश तैयार करूं। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल के अंदर आपको शब्दकोश तैयार कर दूंगा। प्रकाशकों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन 3 साल तो नहीं लगे, उन्हें 10 साल लगे उस शब्दकोश तैयार करने में। लेकिन जो फ्रांसीसियों ने 40 साल में काम किया था और बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर काम किया था, वो काम सैमुअल जॉनसन ने 10 साल के अंदर करके दिखाया और वो शब्दकोश बनाया, और आगे 150 सालों तक वही शब्दकोश अंग्रेजी का मानक संदर्भ ग्रंथ बना रहा। और ये डॉक्टर जॉनसन ही थे जो अपने आप को अंग्रेजी का जूलियस सीजर मानते थे। वो मानते थे जिस तरह जूलियस सीजर ने ब्रिटेन के ऊपर कभी आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उसी तरह मेरे नेतृत्व में अंग्रेजी भाषा जगह जगह अपना साम्राज्य स्थापित करेगी। तीसरी हस्ती थे इस मानकीकरण की परियोजना की, सबसे बड़ी हस्ती थे एडम स्मिथ। ये नाम आपको बहुत ताज्जुब में डालना होगा। एडम स्मिथ को तो हम लोग आधुनिक पूंजीवाद का पुरोधा मानते हैं। एडम स्मिथ की जो मशहूर किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें उन्होंने इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ की शक्ति की शक्ति को का सूत्रीकरण किया है। तो एडम स्मिथ दरअसल स्कॉटिश इनलाइटनमेंट, जो कि फ्रेंच इनलाइटनमेंट के तर्ज पे हो रहा था, स्कॉटिश इनलाइटनमेंट के सबसे बड़ी हस्ती थी। और वेल्थ ऑफ नेशन की रचना सब लोगों में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उनकी एक और किताब थी द थियरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट। उस थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट में उन्होंने ये विश्लेषण किया था कि व्यक्ति किस तरह से भाषा और साहित्य से प्रभावित होता है, किस तरह उसकी जो नैतिक संहिता है, नैतिक आचार संहिता है, वो भाषा और साहित्य के प्रभाव में लगातार बदलती है। चौथी हस्ती थे इस परियोजना की जेम्स बर्नेट, जिन्हें लॉर्ड मॉन्टगोमरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने किताब लिखी थी ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ लैंग्वेज। इस किताब का सार तो ये था, ये किताब बताती है कि कुछ भाषाएं बड़ी होती हैं, समृद्ध होती हैं और स्वाभाविक रूप से दूसरी भाषाओं को खा जाने के लिए बनी होती है। वो ये मानते थे कि बड़ी भाषा छोटी भाषा को खा जाए, तो भाषाओं की दुनिया में और संस्कृतियों की दुनिया में भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत के वो का उन्होंने सूत्रीकरण किया। और ये डार्विन के पहले के थे, यहां से डार्विन ने जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत बनाया तो वो दरअसल काफी कुछ लॉर्ड मॉन्टगोमरी के इस विचार से, इस किताब से बहुत प्रभावित हुए। यानी जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की थ्योरी थी वो पहले भाषा के क्षेत्र में गढ़ी गई थी। चौथी बड़ी हस्ती थे ह्यू ब्लेयर, ये एडम स्मिथ की शिष्य मंडली के सदस्य थे। इनकी किताब थी लेक्चर्स ऑन रेटरिक एंड बेल्स लेटर। ये लोग ये मानते थे कि सभ्यता और भाषा का संबंध एक अलग तरह का संबंध होता है। आप कैसी भाषा बोलते हैं इसके आधार पर तय होता है कि आप सभ्य हैं या असभ्य। आप कैसी भाषा बोलते हैं इस आधार पर तय होता है कि आप एक सभ्य राष्ट्र के निवासी हैं या असभ्य राष्ट्र के निवासी। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे और भी सुसंस्कृत और अनुभवी होता जाता है। उसी तरह जैसे जैसे भाषाएं बड़ी होती हैं, भाषाएं पुरानी होती जाती हैं, और भी वो श्रेष्ठ होती जाती हैं और भी क्लासिकी भाषा बनने की तरफ अग्रसर होती जाती है। तो ये थी वो मंडली जिन्होंने मिलकर ये पूरा भाषाओं का अंग्रेजी का परिष्कार करने का उद्यम किया। अब इस उद्यम को लेने में कौन कौन सी विचारधाराएं थी जो विचारधाराएं इन लोगों को प्रभावित कर रही थी और जिन विचारधाराओं के आलोक में वे अपनी परियोजना चला रहे थे। इसमें पहली विचारधारा थी मोनोलिंगुअलिज्म की, एक भाषा की। आप ध्यान कीजिए कि ग्रेट ब्रिटेन के 4 हिस्सों में अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित केवल तभी किया जा सकता था जबकि यह कहा जाए कि उन 4 हिस्सों में जो भाषाएं पहले से बोली जा रही थी वो भाषाएं बिल्कुल बेकार हैं। जैसे भारतीय भाषाओं के बारे में कहा गया तो कूड़ेदान में फेंक देने काबिल हैं, उसी तरह इन लोगों ने घोषित किया कि स्कॉटलैंड में, वेल्स में और आयरलैंड में जो भाषाएं बोली जा रही हैं वो सब कूड़ेदान में फेंक देने काबिल हैं। इन तीन इलाकों में 5 भाषाएं दोनों बोली जाती थी जिन्हें क्यू सेल्टिक और पी सेल्टिक कैटेगरीज में रखा जाता है। क्यू सेल्टिक का मतलब है आयरिश भाषा, मैंग्स और स्कॉटिश गैलिक, और पी सेल्टिक का मतलब है वेल्स, कॉर्निश और ब्रेटन। ब्रेटन वही भाषा थी जिसके नाम पर ब्रिटेन बना। इस भाषा को भी गंवारू भाषा करार दिया गया। इन सब भाषाओं को खत्म किया जाए
इन सब भाषाओं का संघा किया जाए, इन सब भाषाओं में पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी पाठ्य पुस्तकें नष्ट कर दी जानी चाहिए, इनके स्कूलों को बंद कर दिया जाना चाहिए, वहां सब जगह अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकें लिखी जानी चाहिए, और ये सब भाषाएं बिल्कुल बेकार है, अगर हम ये भाषाएं बोलते रहे तो हम लोग गंवार और असभ्य बने रहेंगे। ये विचारधारा आई कहां से? इस तरह के बड़े इस तरह की बड़ी बड़ी सांस्कृतिक परियोजनाएं चलाने के लिए, जिसमें आपको बड़ी बड़ी आबादियों को काफी सांस्कृतिक और मानसिक दुख देना पड़ता है, किसी से उसकी भाषा छीन लेना एक बहुत बड़ा दुख है। मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ, हालांकि ये कल्पना ही है, बड़ा मुश्किल है इस कल्पना का साकार होना, अचानक एक दिन भारत के अंग्रेजी बोलने वालों के मुंह से उनकी अंग्रेजी भाषा छीन ली जाए, आप सोचिए क्या होगा। हमारे मित्र हैं प्रोफेसर राजीव भार्गव, उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पीएचडी किया है, हमारे दूसरे मित्र हैं उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, हमारे एक सहयोगी हैं वो शिकागो के पढ़े हुए हैं, हमारे दो अच्छे मित्र हैं जो मुझसे जूनियर हैं वो सब स्वास से उन्होंने सारा हमारे मेरी जिस संस्था में मैं काम करता हूँ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डर्विंग सोसाइटी, उस सोसाइटी के मेरे जैसे एक दो लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग विदेशों से पढ़ के आए और वो अंग्रेजी इस तरह से बोलते हैं जैसे कि उनकी मातृभाषा हो। दूसरी भारतीय भाषाओं में काम करने में बड़ी उन्हें दिक्कत और उलझन होती है, तो मैं सोचता हूँ कभी इन लोगों से उनकी भाषा सीख गया तो क्या करेंगे, बिल्कुल गूंगे हो जाएंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि किसी दूसरी भाषा हम लोगों के मुंह से हिंदी छीन ली जाए, या आयरिश लोगों के मुंह से जब उनकी भाषा छीनी गई थी, जब स्कॉटिश लोगों के मुंह से उनकी भाषा छीनी गई थी, जब वेल्स से वेल्स भाषा छीनी गई थी, तब उनकी क्या हालत हुई हुई होगी। तो ऐसा निर्मम और ऐसा हाहाकारी किस्म का प्रोजेक्ट था ये अंग्रेजी का मानकीकरण, इसमें तीन बड़े बड़े इलाकों से उनकी भाषाएं छीन ली गई। इसके पीछे जरूर एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल मोटिव फोर्स रहा होगा। वो आइडियोलॉजिकल मोटिव फोर्स कहां से आई, वो विचारधारात्मक आवेग कहां से आया, वो आवेग यूरोपीय रेनासा से प्राप्त हुआ, यूरोपीय पुनर्जागरण से प्राप्त हुआ। 1629 में रेने डेकार्ट ने ये दावा किया कि सारी दुनिया में एक कृत्रिम भाषा का प्रचार होना चाहिए, एक ऐसी भाषा का प्रचार होना चाहिए जिसको हम सब लोग सोच समझ कर आर्टिफिशियली जनरेट करें, कृत्रिम रूप से गढ़ें, एक ऐसी भाषा जो बिल्कुल स्थिर हो, हर व्यक्ति हर कोने में एक ही शब्द बोले, उसका एक ही अर्थ हो, किसी उस भाषा को भाषा परिवर्तन के नियमों से परे हो, ऐसी कृत्रिम भाषा की जाए। और इसके पीछे यूनानी ग्रीक माइथोलॉजी थी, यूनानी मिथक शास्त्र था इसके पीछे, और वो मिथक शास्त्र ये था कि देवता हर्मीस जब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से नाराज हो गया तो उसने उन लोगों को शाप दिया कि आप बहुभाषी हो जाए। उन्होंने उनकी को शाप दिया कि आप बहुभाषी हो जाए, तो जब जैसे ही बहुभाषी हुआ वैसी लोगों में बहुभाषी दुनिया हुई, वैसी लोगों के बीच में भाषा के सवाल को लेकर झगड़े होने शुरू हो गए और सांस्कृतिक पतन शुरू हो गया। यह सब यूनानी मेथोलॉजी है। इसलिए जब ईश्वर खुश होता है तो लोगों को एक भाषा का यूनिलिंगुअलिज्म का वरदान देता है, जब ईश्वर नाराज होता है तो लोगों को बहुभाषिता का शाप देता है। तो हम भारतीय बहुभाषी होने के शाप से मतलब है, वो बिल्कुल शाप के लिए अभिशप्त है हमेशा के लिए। हम पैदा ही बहुभाषी के तौर पर हुए हैं और अपनी बहुभाषिता हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अंग्रेजी हमें दुरुस्त करना चाहती है सवाल। तो जो मोनोलिंगुअलिज्म का ये जो पूरी थ्योरी थी, इसी वो अंग्रेजी के मानकीकरण की प्रमुख विचारधारा थी। दूसरी प्रमुख विचारधारा क्या थी, सभ्यताओं का पदानुक्रम, हायरार्कीज ऑफ सिविलाइजेशन। ये स्कॉटिश एनलाइटनमेंट की देन थी, एडम स्मिथ साहब की देन थी। एडम स्मिथ साहब ने तय किया कि सभ्यताएं ऊंची ऊंची होती हैं, श्रेष्ठ और निकृष्ट होती हैं। जो श्रेष्ठ सभ्यता होती है वो निकृष्ट सभ्यता को पराजित करके नष्ट कर देती है, और ये बड़ा अच्छा काम है। वो सभ्यताओं के बराबर होने में, सभ्यताओं की समानता में, सारी सभ्यताओं के सहस्तित्व में विश्वास नहीं करते, सभ्यताओं का पदानुक्रम। तीसरी विचारधारा थी भाषाओं का पदानुक्रम, भाषाओं की ऊंची, जो हम देख चुके हैं कि ये लॉर्ड मॉन्टबेटो के विचारों से निकलती है। इसमें एक बड़ी भाषा जो है वो छोटी भाषा को नष्ट कर ही देगी, उसको समाप्त कर देगी, और बड़ी भाषा का अगर छोटी भाषा के ऊपर आधिपत्य हो जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। इससे अंग्रेजी, इससे किलर लैंग्वेज का कंसेप्ट पैदा होता है। एक भाषा जो है अगर दूसरी भाषा का संहार करती है
तो ये अपने आप में कोई ऐसी बात की से ज्यादा चिंतित हुआ जाए, ऐसा होना स्वाभाविक है। चौथी विचारधारा थी क्लासिसिज्म, जिन चीजों को हम लोग बड़े बड़े गर्व से कहते हैं कि क्लासिक है। तो हम लोग जब कहते हैं ये किताब क्लासिक है तो ये बहुत बड़ा एक सकारात्मक किस्म का बात, सकारात्मक किस्म की बात उसके बारे में कहते हैं। हम कहते हैं रामायण एक क्लासिक है, महाभारत एक क्लासिक है, होमर का लिखा हुआ इलियड एक क्लासिक है, या मान लीजिए ऋग्वेद एक क्लासिक है। तो जैसे हम किसी चीज के बारे को क्लासिक का दर्जा दे देते हैं, वैसे ही बंदिश लग जाती है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो परिवर्तन से परे हो गई, यानी देश और काल से परे वो कहीं दूर एक ऐसे क्षितिज में स्थित है जहां पर मनुष्य की मेधा और मनुष्य की प्रज्ञा भी कितनी भी कोशिश कर ले उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ये पूरा विचार कहां से आया? ये पूरा विचार साम्राज्य के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मैं भी जब सबको अध्ययन कर रहा था, मैं भी क्लासिक को बहुत सकारात्मक रूप से देखता था और गर्व से कहते थे मैं क्लासिक पढ़ता हूं। मैंने मान लीजिए हेरल्ड लास्की की पॉलिटिक्स की किताब पढ़ी तो मैं कहूंगा अरे आज मैंने एक क्लासिक पढ़ा, या किसी उपन्यास के बारे में भी कहा जाता है वो क्लासिक नॉवेल है, वो क्लासिक फिल्म है। तो इन बातों को हम लोग बड़े सकारात्मक तरीके से गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन ये सब बड़े खतरनाक किस्म के विचार हैं। इस तरह साम्राज्य जो है वो देश काल से परे है, वो हर देश काल में साम्राज्य अपने आप को स्थापित करता है और देश काल को अपने सामने झुकाता है, अपने मुताबिक तोड़ता मरोड़ता है और अपने अनुकूल बनाता है। उसी तरह ये क्लासिक का विचार और साम्राज्य का विचार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। पांचवी विचारधारा जो अंग्रेजी के मानकीकरण की मुख्य विचारधाराओं में से एक थी वो है साहित्य की भूमिका। आखिरकार हम लोग इस तरह की बातों के, इस तरह की युक्तियों के आगे, उक्तियों के आदि हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य समाज के आगे चलने मशाल 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 लेके चलने वाला है, लेकिन साहित्य की एक बहुत ही नकारात्मक और साम्राज्यवादी भूमिका भी हो सकती है। ये आप अंग्रेजी के इतिहास में जाएं तब आपको समझ में आती होगा। अंग्रेजी के एक रणनीतिकारों ने एक कैनन, एक अंग्रेजी का साहित्य का एक कैनन पूरा विकसित किया और उस कैनन के तहत ये था कि सब जगह यही आप 19वीं सदी में पूरा का पूरा जो भारत का पाठ्यक्रम है 19वीं सदी का अंग्रेजी का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर नजर डालिए, उसमें वो तमाम चीजें थ्योरी और मॉरल सेंटीमेंट पूरी 19वीं सदी में भारतवासियों को पढ़ाई जाते थे। और छठी विचारधारा है साम्राज्य का सभ्यता मूलक आधार। आमतौर पर साम्राज्य को फौजी जीतों के आधार पर बनाए जाते हैं और उनके जरिए आर्थिक शोषण होता है, तो एक तरह से आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य का आधार आर्थिक और राजनीतिक होता है। लेकिन भाषाई रणनीतिकारों का कहना था कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य केवल फौजी जीतों के आधार पर ही स्थापित रहा तो इतिहास में इसका नाम जो है वो अच्छे शब्दों में दर्ज नहीं होगा। अगर इतिहास में इसका नाम उदात्त और सुंदर शब्दों में दर्ज किया जाना है तो इस साम्राज्य को एक सभ्यता मूलक आधार देना होगा, एक भाषाई आधार देना होगा, एक साहित्यिक आधार देना होगा और तब लौकिक और अलौकिक साम्राज्य एक दूसरे में गुंथ जाएंगे, इम्ब्रिकेट हो जाएंगे, लौकिक और अलौकिक साम्राज्य एक दूसरे के पर्याय बन जाएंगे। इस तरह करके अलौकिक साम्राज्य की मंजिल तक ये तमाम भाषाई रणनीतिकार पहुंचते हैं। मैं आपको अगर बहुत गौर कर रहा हूं तो आप वो बता दीजिए, मैं चुप रहूं। अब मैं उस अकादमिक तर्क योजना की तरफ आपको ले जाऊंगा जो इस पूरे पूरा जो मानकीकरण की परियोजना थी उस मानकीकरण की परियोजना के आधार में थी। किस तरह क्रमबद्ध रूप से जैसी अकादमिक तर्क योजना आपके सामने आएगी आप समझ जाएंगे कि ये 60-70 साल तक ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से चलाया गया। जो अभी मैंने विचारधाराएं बताई हैं उन विचारधाराओं की थोड़ी थोड़ी व्याख्या आपको करने मिलेगी। इन रणनीतिकारों ने मानव शास्त्रीय अटकलबाजी के साथ पुनर्जागरणकालीन अधकचरे भाषा शास्त्र को जोड़कर असभ्य भाषाओं और सभ्य भाषाओं की दो श्रेणियां बनाई। इनमें एडम स्मिथ और उनके शिष्य ह्यू ब्लेयर और लॉर्ड मॉलबोरो ने प्रमुख भूमिका निभाई। इन विद्वानों का दावा था असभ्य भाषाएं मनुष्य की आदिमावस्था की देन है। अमेरिका के मूल निवासियों का हवाला देकर कहा गया उनके पास चूंकि पर्याप्त शब्दों का अभाव है इसलिए उनकी भाषाओं में जानवरों के चीत्कार की ध्वनियां हैं और उन्हें अपनी अतिरेक पूर्ण दहक भंगिमाओं के
के जरिए अपनी बात कहनी पड़ती है। ब्लेयर और मोनबोडो ने भाषा के विकास को इंसान में आयु के साथ बढ़ने वाली परिपक्वता के साथ जोड़ा। इस तरह उन्होंने दिखाने की कोशिश की लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा से पता लगाया जा सकता है कि उनके राष्ट्र का क्षेत्र क्या है, उनके राज्य का ढांचा क्या है और उनकी प्रगति का स्तर कैसा है। इस तरह की तर्क योजना के जरिए ये लोग अंग्रेजी के मानकीकरण की आवश्यकता पर बल देना चाहते थे। साफ तौर से 18वीं सदी के भाषाई प्रयोजन में एक औपनिवेशिक स्वैर कल्पना, एक औपनिवेशिक फैंटेसी साकार हो रही। इस फैंटेसी में तथाकथित सभ्यों को भाषाई और सांस्कृतिक शिशुओं की तरह पेश किया जा रहा था, उन शिशुओं के तहत जिनके पास सभ्य लोगों की तरह शब्दकोश लिखने, भाषाई सिद्धांत गढ़ने और व्याकरण तैयार करने की क्षमता नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखिए, मैं आपको ये सिद्धांत है जिसके दबाव में, यानी जिसकी चालक शक्ति के अधीन होकर ही भारत में साम्राज्यवादियों ने भारतीय भाषाओं के शब्दकोश लिखे, भारतीय भाषाओं के व्याकरण तैयार किए गए, चाहे वो तेलुगु हो या तमिल हो या बांग्ला हो, और एक तरह से उन्हें कॉलोनियल आर्टिफैक्ट्स में बदल दिया। जो भाषाएं पहले भारतीय समाज की सेवा अपने तरीके से कर रही थी, वो कौन तरीके थे आज हमारी आंखों के सामने से वो भी ओझल है। हम अगर पता लगाना चाहें तो भारतीय भाषाएं उस जमाने में अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारतीय समाज की, भारतीय आबादियों की, भारतीय ज्ञानोत्पादन की किस तरह सेवा कर रही थी, तो हमारे पास वो पता लगाने के तरीके ही नहीं है, क्योंकि उपनिवेशवादियों ने वो सारी चीजें इतने अंधेरे में पड़ी हुई है, उनके लिए बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट चलाने होंगे। तब निकल के आएगा कि भाई तेलुगु भाषा थी या तमिल भाषा थी, वो किस हिंदी की भाषाओं के मुकाबले और नई भाषा, ये भाषा हिंदी से पहले ही बहुत समृद्ध थी, इनके अंदर महान साहित्य की रचना हो रही थी। ये भाषा किस तरह अपने समाज की मदद कर रही थी, इस भाषा में क्या बोला जाता था, क्या लिखा जाता था, कौन सा ज्ञान इस भाषा में पैदा होता था, इस भाषा में गणित किस तरह से थी, इस भाषा में भौतिक विज्ञान तत्कालीन किस तरह था, रसायन शास्त्र किस तरह था, धातु विज्ञान क्या था, बोध बनाने की विधियां क्या थी, ये सारे भवन निर्माण कला इन भाषाओं में किस तरीके से अपने आप को व्यक्त करती थी, ये हम लोगों को पता ही नहीं है। अब कई जो आधुनिक अर्ली मॉडर्निटी के इतिहासकार हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, दक्षिण भारत में लगे हुए हैं भाषाओं का इतिहास उकेरने में। इस सिद्धांत शास्त्र में सभ्य भाषाओं का दर्जा केवल यूनानी और लैटिन को दिया गया था। थॉमस शेरिडन का मानना था कि भाषाओं के वक्ताओं का उच्चारण और लहजा शुद्ध होता है। मोनबोडो का दावा था कि होमर के जमाने से तुर्कों के जमाने तक, यानी 3000 साल की अवधि के बावजूद यूनानी में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम कहते हैं भाषा रहता नहीं, यहाँ बिल्कुल उल्टी धारणा है कि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें 3000-4000 साल तक कोई परिवर्तन हो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये विद्वान इस बात से बहुत प्रभावित थे कि यूनानी वक्तृत्व कला का अध्ययन करके रोमनों ने मात्र 80 साल में अपनी भाषा को सुधार कर उसका मानकीकरण कर डाला। क्योंकि अन्य प्राचीन राष्ट्रों ने ऐसी भाषा नहीं की रचना नहीं कर पाई, जो देश काल से परे जाकर उनकी राष्ट्रीय दावेदारियां पेश कर सके, इसलिए वे राष्ट्र ऐतिहासिक स्मृति से विलुप्त हो गए। यूनान ने अपनी राजनीतिक संस्थाएं, दर्शन और विज्ञान को मिस्र और फोनिशिया से हासिल किया, लेकिन उनके पास यूनानी जैसी क्लासिक भाषा नहीं थी, इसलिए वे इतिहास से मिट गए और ऐतिहासिक स्मृति में केवल यूनान रह गया। इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन को मिस्र और फोनिशिया ऐसा नहीं बनना है, बल्कि उसे यूनान जैसा बनना। इस तरह की सैद्धांतिक आधारभूमि स्थापित करने के बाद इन विद्वानों ने, खासकर जॉनसन और शेरिडन ने, अपनी भाषा के लिए थोड़ा संघर्ष करने का, लेट्स हैव अ लिटिल स्ट्रगल फॉर वर्ल्ड, थोड़ा संघर्ष करने का आह्वान किया, ताकि ब्रिटिश असभ्यों को अंग्रेजी के मानकीकरण के जरिए हम सभ्य बनाया जा सके। वे भाषा को अधिकतम स्थिर करने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा था हर जगह अंग्रेजी, ये इंसान की सारी हसरतें पूरी नहीं होती, तो उन लोगों की हसरत भी पूरी नहीं हुई। भाषा वास्तव में बहता नहीं होती है, भाषा हर जगह बदल जाती है। अंग्रेजी की दुनिया में आज भी इन लोगों की कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी दुनिया में जाने कितने तरह से बोली जाती है, जाने कितने तरीके से लिखी जाती है, लेकिन आमतौर पर अंग्रेजी में जो साम्राज्यवादी विचार की, साम्राज्यवादी आग्रह या दुराग्रह की इबारत अंकित की गई, वो आज भी उसी तरीके से अंकित है। अब वो कहते हैं, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि भाषा में होने वाले परिवर्तनों को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता, इसलिए उनका कहना था कि परिवर्तन की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा धीमा कर दिया जाना चाहिए। इसलिए जरूरी समझा गया ताकि महान लेखकों की रचनाओं को आने वाली पीढ़ियां बिना शब्दकोष, बिना निघंटु की मदद से पढ़ सकें। शुरू में आने वाली पीढ़ियों में केवल ब्रिटेन के लोग ही शामिल थे, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश उपनिवेशों के वासियों को भी, वासियों की पीढ़ियों को भी उनमें जोड़ दिया गया।
इसके लिए उदाहरण चौसर का दिया गया, जो 18वीं सदी के पाठकगण बहुत मुश्किल से पढ़ पाते थे, कहा गया अगर भाषा सीधे बदलती रही तो आगे जाकर यही हाल शेक्सपियर और मिल्टन का होने वाला है। आप देखेंगे शेक्सपियर की अंग्रेजी बिल्कुल अलग तरीके की, चौसर की अंग्रेजी बिल्कुल अलग। आज हम जो अंग्रेजी पढ़ते हैं इस अंग्रेजी के आलोक में आप इस अंग्रेजी के जरिए आप उनकी कविताओं का और नाटकों का उस तरह मजा नहीं ले सकते। फिर एक जो जिसको मैंने प्रामाणिक राष्ट्रीय साहित्य को कैनन बोलते हैं, वो कैनन जिस तरीके से कल्पित किया गया कि मात्र यहाँ आपको पता चलेगा कि मातृभाषा की कल्पना कहाँ से है। हम लोग आज कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है या बांग्ला हमारी मातृभाषा है, ये हम लोग 18वीं सदी से पहले नहीं कहते। दुनिया में कोई नहीं जानता था कि कोई भाषा मातृभाषा भी हो सकती है। ये कहाँ से आया ये आप लोगों को बहुत दिलचस्प लगेगा। एक प्रामाणिक राष्ट्रीय साहित्य अंकित किया गया, उसे ब्रिटिश जनता की संपत्ति घोषित करने के लिए साहित्यिक उत्पादन के स्वामित्व को हमेशा के लिए कॉपीराइट की श्रेणी से निकालने के कानूनी प्रयास किए ताकि उसे सारी जनता की संपत्ति घोषित किया जाए। इस प्रक्रिया में नया सूत्रीकरण सामने आया, इसके तहत भाषा को माँ के रूप में देखने की परंपरा पैदा हुई। अंग्रेजी ब्रिटिश लोगों की मातृभाषा घोषित कर दी गई, अंग्रेजी ब्रिटिश लोगों की मातृभाषा घोषित कर दी गई क्योंकि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय साहित्य की वाहक थी, प्रामाणिक राष्ट्रीय साहित्य की वाहक थी। एक बार जब अंग्रेजी को ब्रिटिशपन की माँ बना दिया गया तो शेरडा और जॉनसन ने इस भाषा को स्त्री देह के आईने में देखना शुरू कर दिया। जब आपने स्त्री को माँ घोषित कर दिया तो जाहिर है कि भाषा को स्त्री देह के तौर पर देखा जाएगा, स्त्री देह के आईने में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया कि माँ की ये देह कुछ ज्यादा ही सरंध्र है, कोरस है, माँ की ये देह जो है कुछ ज्यादा ही सरंध्र है, यानी दूसरी संस्कृतियों के शब्द इन गुंजाइशों में घुसपैठ करके इसे अपवित्र कर देते हैं, तो फ्रेंच और लैटिन के शब्दों को उसमें घुसने से रोकना चाहते थे। जॉनसन ने तो अंग्रेजी नामक स्त्री को एक ऐसी अनियंत्रित देह के रूपक के तौर पर पेश किया जो आसानी से क्षय और विकृति का शिकार हो सकती है। अर्थात विद्वानों की निगाह में अंग्रेजी नामक यह माँ निकट और दूरगामी भविष्य में राष्ट्रीय साहित्य को बार बार जन्म और पुनर्जन्म देने की जिम्मेदारी केवल नियंत्रित संयमित और व्यवस्थित होने की शर्त पर ही पूरा कर सकती है। शेरडान ने अपनी रचना ब्रिटिश एजुकेशन में जॉनसन की तर्ज पर अंग्रेजी नामक स्त्री को एक ऐसी छिनाल के तौर पर चित्रित किया जो भड़कीले फ्रांसीसी जेवरात पहनती है और वैश्विक तरह सज धज कर युवकों की कामनाओं को भड़काने के जरिए चारों तरफ संक्रमण फैलाती है। अंग्रेजी के मानकीकरण की जरूरत पर जोर देने के लिए अपनाई गई युक्ति के जरिए शेरडान अंग्रेजों से अपील करना चाहते थे कि अगर इस देह को पवित्र बनाए रखना है और उसे विकृतियों को जन्म देने से रोकना है तो उसे विनियमित करना होगा, यानी अंग्रेजी का मानकीकरण करना होगा, वाग्मिता परियोजना चलानी होगी, शब्दकोश लिखने होंगे, व्याकरण तैयार करना होगा ताकि अंग्रेजी में परिवर्तनों की गति हो, अगर समाप्त न किया जा सके तो अत्यंत धीमी कर दिया जाए। प्रामाणिक राष्ट्रीय साहित्य उसकी चिरंतन वाहक के रूप में परिनिष्ठित अंग्रेजी का यह ऐतिहासिक अध्ययन ही हमारे सामने एक ऐसा विचार रखता है इस पर हिंदी की दुनिया में अभी तक गौर नहीं किया गया। तो मित्रों ये एक पूरा आख्यान है जो कि अंग्रेजी की 18वीं सदी में अंग्रेजी के मानकीकरण की जो मुहिम चली, उस मुहिम के तहत कैसी अंग्रेजी बनी, उस अंग्रेजी की आप छवि क्या थी, वो अंग्रेजी दुनिया की अन्य भाषाओं को अन्य संस्कृतियों को किस रूप में देखती थी, और जब वो उन संस्कृतियों में जाती थी यानी संस्कृति संक्रमण जब होता था, जब एक्लचरेशन होता था, संस्कृति संक्रमण होता था, तो वहाँ जाकर अंग्रेजी का व्यवहार क्या होता था, अंग्रेजी की दावेदारियाँ क्या होती। अब ये मेरे शोध का कुछ शुरुआती हिस्सा है, मैंने आपको एक तरह से उसकी भूमिका बताई, इस भूमिका के बाद अब मैं उस पहलू के ऊपर काम कर रहा हूँ कि जब मैकाले ने अपने मिनट्स पेश कर दिए, विलियम बेंटिक को मिनट दे दिए, तो वो कौन सा संघर्ष था जो कि ओरिएंटलिस्ट एगिसिस्ट और वर्नाक्युलरिस्ट के बीच चला और जिसके जरिए भारत में धीरे धीरे कर एक बड़े ही जटिल और पेचीदा प्रक्रिया के जरिए भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा स्थापित की गई और धीरे धीरे कर वास्तव में जो मैकाले की शिक्षा संबंधी पुस्तक में लिखा हुआ है, अंग्रेजी ही ज्ञान की एकमात्र वाहक रह गई, अन्य भारतीय भाषाएं दूसरे क्षेत्रों में समेट दी गई जहाँ वो अभी भी आगे बढ़ रही हैं, बाकी भाषाओं में उमदा कविताएँ लिखी जाती हैं, भारतीय भाषाओं में अच्छी फिल्में बनती हैं, भारतीय भाषाओं में टीवी सीरियल्स बनते हैं, भारतीय भाषाओं में राजनीतिक भाषण किए जाते हैं, अब तो लोकसभा में भी अंग्रेजी का प्रभाव बहुत कम हो गया है, लेकिन अंग्रेजी ने दो क्षेत्रों पर अपनी इदारेदारी जिद करके कायम रखी है। पहला क्षेत्र है ज्ञानोत्पादन का क्षेत्र यानी उच्च शिक्षा का क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है राज्य निर्माण का क्षेत्र। अगर अंग्रेजी को हमें उसकी वर्चस्वशाली स्थिति को हटाना है तो हमें दोनों क्षेत्रों में से
दोनों क्षेत्रों में अंग्रेजी के खिलाफ संघर्ष करना होगा और भारतीय भाषाओं को सुयोग्य बनाना होगा। ये छोटी लकीर के मुकाबले अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चलाने से नहीं काम चलेगा। उत्तर प्रदेश में 1963-64 में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चला था, इसमें अंग्रेजी के जो जो बोर्ड होते थे उनको काले रंग से पोत दिया जाता था, पुलिस वाले जो UPP लिखते थे उनकी पिटाई की जाती थी, उपप्रभु लिखने लगे, उससे तो कोई कुछ हुआ नहीं, हिंदी का कोई खास भला नहीं हुआ। तो जो एक लकीर के मुकाबले एक बड़ी लकीर बनानी होगी, भारतीय भाषाओं को और समृद्ध करना होगा, भारतीय भाषाओं को ज्ञानोत्पादन की दुनिया में ले जाना होगा। हमें संकल्प करना होगा कि हम लिखेंगे केवल हिंदी ही। संदेश दिया था पढ़ो कोई भी भाषा, हर जगह ज्ञान उपलब्ध है, अंग्रेजी में ज्ञान उपलब्ध है, फ्रेंच में ज्ञान उपलब्ध है, मुझे अंग्रेजी में कोई झड़क नहीं, अंग्रेजी को मैं अपनी दूसरी माँ मानता हूँ। मैं मानता हूँ मैंने ज्यादातर ज्ञान हिंदी पढ़ के नहीं हासिल किया, ये सब भी अंग्रेजी पढ़ के ही हासिल किया जो आपके सामने पेश किया है। लेकिन मैं इस संकल्प मैं संकल्प कर चुका हूँ कि मैं पढ़ूंगा कोई भी भाषा लेकिन लिखूंगा केवल हिंदी। जब आप केवल हिंदी लिखेंगे धन्यवाद सर, इतना सुदीर्घ और इतना शोधपरक कि शायद बीच में लगा था कि हम व्याख्यान से ज्यादा कुछ शोध